अपने सावन भाई से मैं मिल पाऊंगा, बिकॉज कभी ना कभी कुछ हो जाता था या तो कभी कुछ चले जाते थे, कहीं कहीं मुलाकात नहीं हो रहा था, ठीक है। तो बहुत रिक्वेस्ट किया हम सावन भाई को, और बड़े बड़े लोग हाँ कहीं कहीं कहाँ चले जाते, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली जाकर हमने इसका जहाँ पे अड्डे पे रह रहा है उसका वो अड्डे पे घुस गए। हमारा सावन भाई का बोल रहा था मेरे का चक्का जाम हो गया राहुल भाई, तो हे गाइस न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो भाई अभी रात का टाइम है, ठीक है, अभी कितना बज रहा है सुमन? कितना बज रहा है देखना पड़ेगा अपना फोन में और क्या है। अभी कितना टाइम हो रहा है? कितना बज रहा है? 9:30 9:30 हो रहा है, ठीक है। एंड अभी स्पेशल वन टू वर्क करने वाला खिलाड़ी आया हुआ है, ये भी कुरकुरे चिप्स है। तो गाइस अभी आया है रॉक भाई, 100 बात की एक बात, रॉक भाई आया हुआ है, ठीक है, रॉक लामा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि पब्लिक प्लेस में वो टू वर्क करता है और प्रैंक वगैरह करता है। तो अभी वो मेरे को फिलहाल लेने आया है। तो अभी हम लोग का प्लान बना है भूटान की ओर बढ़ने का, ठीक है। तो तैयार हो गए, मेरा बैग उग सारा उधरी है, तो अभी चलते हैं फटाफट। ठंडा भी लग रहा है, मेरा टोपी उपी तो सब बैग में है ना, तुम सा जा भाई। तो भाई हेड चार्जर जो कुछ छूट तो नहीं रहा? चार्जर ले गया, लगा दिया भाई। चलो अब फटाफट से निकलते हैं। फाइनली रॉक भाई आ चुका है, एंड देखो हियर इज नाउ रॉक भाई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मुझे तो लगा था हम बढ़िया है, मुझे तो लगा था मिलेंगे ही नहीं। अच्छा, बट भगवान की दुआ से मिला दिए। अब भाई को हम लेके जा रहे अपने घर, अपना जयगांव घुमाएंगे, घूमेंगे बहुत है। हम लोगों का बहुत पहले से प्लान बन रहा था, बट कभी ये होता था ये कभी बाहर चल जाते थे, केदारनाथ चल गए थे ना नेक्स्ट टाइम, आराम से ट्रेन पकड़ के निकल गए थे रॉक भाई, बट आज फाइनली मिल गए। हम लोग का मिलाव हो गया दोनों भाई का, ठीक है, मिलाव हो गया। इधर दिखा, इधर हम कितने रिक्वेस्ट किए हम सावन भाई को, सेलिब्रिटी लोग कभी अरे भागे का टाइम नहीं बोलते, टाइम नहीं है बोलते, अरे नहीं रोके। तो देखो आज हम जैसे तैसे इसका लोकेशन हैक करके हम आ गए, फाइनली आज मिल गए। एंड गाइस अभी चलो फटाफट से बैग वगैरह भी पैकिंग हो गया, अब निकलते हैं फटाफट से। चलो जो भी देखते हैं, सफर अच्छा जाए। आप लोग कमेंट सेक्शन में ब्लेजिंग दो। यहाँ से 3 घंटा लगेगा घर पहुँचने में, 3 घंटा तुम्हारा वो नीचे का ना घिस के लाल हो जाएगा। देखो रॉक भाई तो बाबा पूरा ऊपर से मेरा देखो बैग कितना भारी है, ये सब सामान है ना, और हेलमेट भी लाया हुआ है रॉक भाई ऑलरेडी, स्पेशली आपके लिए। देखो स्पेशली अमेरिका से मंगाया हुआ है मीना भाईजर का, ठंड में वो अपना डुअर्स का वो हवा तुमको देना है ना हमको। अरे तो इतना ठंड अभी काफी नहीं है क्या? जल्दी आ। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं डामडिंग चाय बगन के यहां, एंड लाखों करोड़ों साल बाद मिल सकते हैं वन एंड ओनली। मैं गरीब हूं नहीं नहीं अरे ओए वाला ओए वाला अरे अच्छा ओए वाला ओए वाला डायरेक्ट वही डायरेक्ट वही एक्टिंग में घुस जाओ ना, फिल्म वाला फीलिंग के साथ। सो फाइनली गाइस हम लाखों करोड़ों साल बाद पहुंच चुके हैं, एंड अपने भाई से मिले। मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए, पर कोई नहीं, मैं गरीब ही टेकूं। भाई साहब फाइनली गाइस, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मैं अपने सावन भाई से मैं मिल पाऊंगा, बिकॉज कभी ना कभी कुछ हो जाता था या तो कभी कुछ चले जाते थे, कहीं कहीं मुलाकात नहीं हो रहा था, ठीक है। तो बहुत रिक्वेस्ट किया हम सावन भाई को, और बड़े बड़े लोग हाँ कहीं कहीं कहाँ चले जाते, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भाई फाइनली जाकर हमने इसका जहाँ पे अड्डे पे रह रहा है उसका वो अड्डे पे घुस गए, वो अड्डे का हैक किया। उसके बाद फाइनली हम अपने सावन भाई के भाई लोग के यहाँ पहुंच चुके हैं, जो कैन सी अभी अपना भाई का भी बैकपैक हो चुके हैं। अपने भाई को अभी हम लेके जा रहे हैं अपने जयगांव वालों आ रहे हम लोग। राम राम छो, राम राम छो, राम राम भाई सारे ने, राम राम भाई सारे ने। आज तो चलते हैं। तो एक बात बताओ सावन भाई, बोलो ना रॉक भाई से मिलकर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया भाई, दोनों साथ में टूर करेंगे अभी। हाँ भाई मेरे को कॉल करके बोल रहा था कि चलो ना भाई पब्लिक में कुछ करते हैं, पूरा हंगामा। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा वो हो गया था, जैसे कि इंसान है, इंसान से वो होता है ना टेंशन, दुख भरी कहानी। लोगों का क्या है लोगों का क्या है, लोगों को तो दिखता है बस हंसता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा, इसके पीछे और इसके पीछे कितना दर्द है हम जानते। पर भाई का सच में तुम्हारा ना वो रील्स में जो शायरी वायरी होता है ना, एकदम किडनी टचिंग होता है भाई। बस
दिल से निकलता है, दिल से निकलता है सच में। हाँ दिल से, पूरा फीलिंग के साथ। हाँ फीलिंग के साथ। वैसे सावन भाई काफी हैंडसम है, अजय के एमसी देख सकते हैं। अभी भाई को जयगांव लेके जाएंगे तो और भी ज्यादा चिकना बनाएंगे, तुमको वहाँ लेके जाएंगे। उसके बाद क्या क्या होगा वो तो हम कल ही बताएंगे, अभी निकलते हैं फिर। चलिए फटाफट चलो। तो गाइज एंड फाइनली आप लोग देख सकते हैं पीछे रोग भाई का बैग है, तो टांग लिए इतना बड़ा, पिछवाड़ा से भी नीचे जा रहा बैग तो बाबा। पिछवाड़ा से वो पीला पीला भी निकल जाए। देखे थोड़ा सा आगे हूँ और नहीं थोड़ा सा पीछे जाओ। हाँ वहाँ पे घुस, वहाँ पे लगा लगा है, थोड़ा सा और इसको कर दो, क्या खोल दो इसको थोड़ा सा, तुमको वहाँ पे नहीं लग रहा साइड में, नीचे है कम्फर्टेबल है। अरे वहाँ मतलब पे बैग ना। हाँ फंसा है, फंसा है। वो वाला कैप लगा लो पीछे का। कौन सा? जो वो वाला कैप निकला है। अच्छा वो वाला पहले लगा लूं? पहले लगा लो, अभी लगा। गुड टू गो चीफ, परफेक्ट। चले चले बाय बाय। हैं हेलमेट लगा लिए? हां लगा लिए। ठीक है भैया आराम से। ठीक है ठीक है, बाय बाय सुमन। बाय बाय, जल्दी आने का कोशिश। हाँ अरे एक से दो दिन में आ जाते हैं। जल्दी का काम शैतान का होता है। सावन भाई को लेकर चलते हैं अपने घर। और भाई लोग बाय बाय, चलो पंडित लोग मिलते हैं फिर कभी, ठीक है? क्या बोलते हैं, दुआ में याद रखना। बाय बाय। ज्यादा ठंडा है गाइस, पता नहीं रोग भाई कैसे इतना हिम्मत लेके निकला, तो ठंडा में बूटी बूटी सूख रहे हैं। ठंड के मारे आँख से पानी निकल रहा है बाबा, ठंडा में हो रहा है। देख रहे सौ भाई पूरा धुंधला हो गया भाई, रोड भी नहीं दिखा दे रहा भाई। देखो धुंधला सा लगे सब, धुंधला सा। और ए, 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 दोस्तों हम लोग कहाँ आ गए, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, ये क्या हो रहा है भाई भाई भाई। ओह माय गॉड क्रेजी गाइस, ओ गाड़ी आ रहा, गाड़ी आ रहा, गाड़ी आ रहा। ओ माकू भाई सच में गाइस, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो रखा है। पहुंचे तीनी पीड़िया ना रोक भाई, तीनी पीड़िया तेलीपाड़ा, तेलीपाड़ा क्या सॉरी तेलीपाड़ा पहुंचे। और भाई अभी पूरा ना लकवा मार गया गाइस, सच्ची बताए ना बहुत मुश्किल है यार, फॉगी हो रहा था ना तो और ज्यादा मुश्किल है। बाकी रोक भाई का तो चला चला के, हमारा सावन भाई का बोल रहा था मेरे का चक्का जाम हो गया रोक भाई। बोलियो मार गया गाइस। लाइफ में फर्स्ट टाइम इस तरीके का राइड किया मैंने, और सावन भाई ने भी एक्सपीरियंस किया, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है गाइस, वो भी भाई साहब ठंडा में। अरे इसको तब से मैं पूछ रहा रोक भाई को, भाई और कितना किलोमीटर है बताइए, और कितना किलोमीटर है? हम बोल रहे बस दो घंटा। दो घंटा तब से बोला, तब से बोला, और हम बोलते आए आए कर रहे भाई। अभी हम लोग चाय पीने के लिए रुके और इधर चाय बना रहे भाई, ठीक है मस्त गर्मा गर्म चाय पियेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। अभी कितना किलोमीटर है मेरे को नहीं पता, वो तो रोक भाई को पता है, तो वो बस दो घंटा बोल रहे हैं। खैर कोई नहीं, कर सकते हैं। बाकी हाथ देखो गाइस पूरा लाल हो गया, पूरा लाल हो गया। सो फाइनली गाइस चाय आ चुका है, चलो चाय पीते हैं। और यहाँ से और 50 किलोमीटर है, आधा 45 मिनट, आधा 45 मिनट में कवर कर लेगा रोक भाई। फाइनली रॉक भाई का घर पहुंच गया यार, पहुंच गया भाई। कंधा मंदा पाछा अच्छा पूरा दर्द दे रहा, ये देखो फाइनली गाइस। ओ बेटो बेटो बेटो, नमस्ते अंकल जी। नमस्ते।